वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मातहत काम करने वाली तहकीकाती एजेंसी ने वज़ीर-ए-आज़म के बेटे को 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बेगुनाह करार दे दिया। 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे सलमान शहबाज नामजद थे। इस केस में अदालत पहले शहबाज शरीफ को बरी करार दे चुकी है, जबकि सलमान शहबाज के खिलाफ बैरून मुल्क होने की वजह से कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। सलमान शहबाज मुकदमे का सामना करने वतन वापस आए और मामला आगे बढ़ा, लेकिन अब लगता है कि शहबाज शरीफ की तरह सलमान शहबाज के खिलाफ भी मुकदमा खत्म कर दिया जाएगा। आज लाहौर के स्पेशल सेंट्रल जज के सामने एफआईए के तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले, उनके खिलाफ किकबैक्स के भी कोई शवाहिद नहीं मिले। जबकि सलमान शहबाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि चालान में एफआईए ने सलमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया है, जिस पर सलमान शहबाज और ताहिर नकवी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। इस केस में सलमान शहबाज पर इल्जाम है कि उन्होंने शुगर मिल में वालिद के साथ मिलकर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की।